अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके? यकीन आप सब ठीक होंगे। चले निकाले अपनी मैथ स्टेप बुक 3। ओके, कल हमने इसमें पढ़ा था पेज नंबर 14 एंड 15। ठीक है, प्लेस वैल्यू एक्सपेंडेड फॉर्म में, और उसको हमने इसको एक्सपेंडेड को हमने नंबर्स में लिखा था। यहाँ पर हमने इसको नंबर्स को एक्सपेंड किया था, वहाँ पर हमने एक्सपेंड फॉर्म को नंबर्स में चेंज किया था। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग ऑफ नंबर, एक्सरसाइज 1.1, पेज नंबर 18। ठीक है, इससे पहले भी आप ये पढ़ चुके हैं क्लास 2 में, क्लास 1 में। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है लुक एट दिस नंबर केयरफुली, कंपेयर द नंबर बाय पुटिंग द साइन लेस देन एंड ग्रेटर देन। ठीक है, लेस देन और ग्रेटर देन दो नंबर है, दो साइन हैं जो कि आपने इसमें इन तमाम के अंदर पुट करना है। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है 4522। आपने इस नंबर को अपने उसके सामने वाले जो वैल्यू उसके साथ कंपेयर करना है कि इसमें कौन सी वैल्यू बड़ी है, तो जो वैल्यू बड़ी होगी उसकी तरफ को हम ग्रेटर दैन को साइन लगा देंगे, यानी उस तरफ उसका, यानी इस तरीके से भी कहा जाता है कि जिस तरफ मुँह खुला हुआ होगा वो नंबर बड़ा होगा, वो नंबर जहाँ बड़ा होगा उस तरफ जो है वो वी, यानी उल्टा वी जो होता है ना, उसका मुंह इस तरह से उल्टा कर दो, यानी इस तरह से उसका मुंह सिर्फ खोल दो। ठीक है, और जिस तरफ को छोटा नंबर होगा तो उसको ऑटोमेटिकली वो साइन उसकी तरफ को जो है वो ग्रेड लेस देन में चला जाएगा। तो इसी तरीके से आपने ये सारे नंबर्स देखने हैं और इसको सॉल्व करना है। तो जो नंबर बड़ा होगा उस तरफ ग्रेटर देन का जो ना फेस कर देंगे तो ऑटोमेटिकली लेस देन का जो बैक है वो छोटे नंबर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये भी करना है, अपने नीचे वाला भी प्लेस ग्रेटर देन एंड लेस देन इन ईच बॉक्स एंड गिविंग द आंसर विच डिजिट डिड यू कंपेयर। आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है, सेम ऊपर की वाले जना क्वेश्चन की तरह। फिर आपने लिखना है कि आपने कौन से नंबर के साथ जिसको कंपेयर करके लिखा था उस डिजिट को आपने यहाँ लिखना है। द कंपेयर डिजिट इज, तो वो जो वैल्यू है डिजिट वो आपने यहाँ पर लिखना है। ठीक है, इस तरीके से आपने इसे सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट, इसको बिल्कुल नीट और क्लीन आपने सॉल्व करना है। आज के लिए सिर्फ आपका इतना ही काम है, बाकी नेक्स्ट काम होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।